हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए चुकंदर की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। चुकंदर की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 चुकंदर ली थी जिनको मैंने अच्छी तरीके से छील लिया था। अब चुकंदर को कद्दूकस करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में कद्दूकस रख लिया है। आपको किसी अलग से बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट कढ़ाई में ही हम कद्दूकस करेंगे। चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। सारी चुकंदर मेरी कद्दूकस हो गई थी, ये आप देख रहे हैं। अब इस कढ़ाई को मैं अपने गैस पर रख दूंगी। कढ़ाई भी मैंने गैस पर रख दी है। अब गैस का फ्लेम मैं ऑन करूंगी। गैस का फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया था। चुकंदर को मैं चलाती रहूँगी ताकि चुकंदर मेरे नीचे से लगे ना। अब जो ये आपको पानी दिखाई दे रहा है ना, चुकंदर ने जो पानी छोड़ दिया एक्स्ट्रा, अब इस पानी को मैं फूंक लूँगी। ये आप देख रहे हैं जो नीचे से चुकंदर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, ये सारा पानी मैं फूंक लेती हूँ। चुकंदर का सारा पानी भी फूंक गया था। अब मैंने आधा कप दूध लिया है, दूध भी मैंने डाल दिया था। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यह दूध भी मेरा अच्छे से मिक्स हो गया था। अब चुकंदर में मैं डालने वाली हूँ मलाई। मलाई मैंने नॉर्मल वही ली है जो हम घर में दूध से उतारते हैं ना, वही मेरी नॉर्मल दूध की मलाई है। 1 चम्मच भरकर मैंने मलाई डाल दी है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, या मिल्क पाउडर का भी खोया निकाल कर ना वो भी डाल सकते हैं। मलाई भी मैंने डाल दी थी और इनको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। चुकंदर को मैं अब जब तक पकाऊंगी, जब मैंने इसमें दूध और मलाई डाली थी ना, दूध और मलाई, जब तक कि ये दोनों चीज़ मावे की सेफ में ना आ जाए। आपको हल्का हल्का सा मेरे इसमें दूध दिखाई दे रहा होगा, और थोड़ा सा और मैं इसको पका लूँगी ताकि जो थोड़ा और इसमें दूध बचा है ना वो सारा फूक जाए। यहाँ चुकंदर के हलवे को मैं मीठा करने के लिए इसमें चाशनी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं। मेरे पास गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी रखी थी, वही मैंने डाल दी है, लेकिन चाशनी से और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। चाशनी मैंने आधा कप ली थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लीजिए। यहाँ मैंने आधा कप चाशनी डाल दी थी और इसको भी मैं अच्छे से हलवे के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। चाशनी भी मेरी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक कि जो चाशनी का पानी है ना एक्स्ट्रा वो फूक ना जाए। चाशनी का पानी सारा फूक जाएगा और मेरे हलवे में भी हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा। और हाँ, मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी। अगर आप नीचे से नहीं चलाएगा तो ये नीचे से हमारा हलवा लगना शुरू होएगा, फिर लगभग हलवे में नीचे से लगने की स्मेल आएगी जो कि हमारे हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप हलवे को चलाते रहें। यह हलवा भी मेरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लगभग चाशनी का सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो सभी फूक गया है। थोड़ा सा और मैं पका लेती हूँ इसको। चाशनी का सारा पानी फूक गया है। अब इस स्टेज पर मैं अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको एक साइड में रख दूँगी। हलवा भी मेरा बनकर रेडी हो गया है। इस चुकंदर का मज़ेदार सा हलवा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम हलवे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और डेकोरेट कर लेंगे।